का पूजा कोई नहीं करेगा तो क्या होगा, सांप काटेगा। तो हम गोवर्धन की लीला को चर्चा करेंगे तो सांप से हम लोग बचे रहेंगे, तो लीला सुनने का ये भी एक फल है। तो भगवान की सभी लीलाओं में एक बहुत ही सुंदर लीला है गोवर्धन लीला। तो एक बार वृंदावन में नंद महाराज और गोप सब इंद्र पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंद्र की पूजा करना तो क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं तो वो लोग हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। आप ही के नाम से क्लास चालू किया, कल सांप था ना इतना बड़ा, तो हम लोग गोवर्धन का चर्चा कर रहे हैं ताकि भगवान खुश होंगे। तो सब कुछ भगवान के हाथ पे, समझ रहे? वो सांप कहाँ है अभी पता नहीं, अदृश्य हो गया। हाँ वेट कर रहा होगा कब आपको काटेंगे तक्षक की तरह। उधार भी हो सकता है, समझ रहे? एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था तो वहां पर एक सांप आ गया, सब लोग डर गए, मारने लगे उसको। तो वहां पर एक बहुत बड़े राजा थे, बोला नहीं मारिए मत। तो पता चला कि उनके पूर्वज थे और बहुत बड़े राजा थे, तो कथा सुनने आए थे, कथा सुन के उनका उद्धार, और कथा सुन के उनका उद्धार हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा करें, कैसे वैदिक सभ्यता में और मानव सभ्यता में आप देखेंगे आदमी, आजकल की सभ्यता बदल गई है, लेकिन वैदिक सभ्यता में आदमी हमेशा दूसरों को धन्यवाद देता था और समझता था कि मैं कितना दूसरों पर निर्भर हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब कोई चीज मिलती रहती तो हमें उसका वैल्यू नहीं पता चलता, समझ रहे? जैसे रोज मंगला आरती होती है, मृदंग बजते रहता है तो कोई दिक्कत, एक दिन नहीं बज रहा तो अरे क्या हो गया भाई, समझ रहे? लेकिन रोज बजता है तो हमें उतना वैल्यू उसका, समझ में? तो वैसे ही बहुत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं हमारे लिए। तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो बहुत लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ बैठे हैं, जो पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी से पानी आता है, उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी को कितना करना पड़ता है, कचरा रोज कचरा ले जाने वाले आते हैं, आप देखेंगे। और नहीं आए तो क्या, अगर एक दो महीना नहीं आया तो आपको पूरा कचरा कचरा हो जाए। तो बहुत सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है, उसके पीछे बहुत लोगों का क्या होता है, हाथ होता है। मेरी सभ्यता में लोग समझते हैं कि भाई सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, तो इसलिए वो बहुत ही धन्यवाद देता है लोगों को। तो पहले जमाने में लोग जानते थे कि भाई पानी तो मैं नहीं बना सकता, भगवान चाहेंगे, और भगवान ने इंद्रदेव को इंचार्ज बनाया है, तो लोग इंद्र पूजा करते थे इंद्र का आशीर्वाद लेने के लिए, उनको खुश रखने के लिए कि आप हमें समय पर पानी दे दीजिए। तो इस प्रकार से ब्रजवासी लोग क्या कर रहे थे, इंद्र यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारी मिठाई बनाई जा रही थी। यह दिवाली के एक दिन पहले होता है तो बहुत मिठाई बनाई जा रही थी, और तब तक कृष्ण छोटे बच्चे थे। कृष्ण की आयु कितनी थी? 7 साल। तो 7 साल की उम्र के कृष्ण, अभी अब कोई भी छोटा उत्सव होता रहता तो बच्चा लोग का काम होता है, बच्चा लोग जो है वो लोग खेलता रहेगा, और वो लोग को बहुत बार क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो छोटा छोटा बचवा लोग था, पूछने लगा कि ये क्यों हो रहा है,
इतना मिठाई किसके लिए बन रहा है? मेरे लिए बन रहा है, मतलब समझ रहे हैं? तो मैंने तो अब बच्चा लोग पे इतना ध्यान नहीं देता है लोग, बट झूठ मूठ का उधर उधर पूछेगा कुछ तो उतना ध्यान नहीं देता ऐसा लोग इधर उधर, समझ रहे हैं? कृष्णा ईसा बोले कि सब लोग ध्यान देने लगा, समझ रहे हैं? बोले बाबा बाबा क्या कर रहे हैं, तो ध्यान नहीं देता कोई, अरे परेशान करे, डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, नहीं क्या करे, इतना बड़ा पूजा वूजा कर रहे, क्या इतना मिठाई बना रहे, क्या हो गया, क्विंटल क्विंटल मिठाई बन रहा था, समझ रहे हैं? हजारों किलो दूध का मिठाई, भर भर के इतना मिठाई फिठाई। तो क्वेश्चन पूछे कृष्णा तो ध्यान कोई दिया नहीं, तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? जैसे एक बार हमारा एक छोटा बच्चा था, उसका नाम गिरिराज, गोवर्धन पूजा के दिन ही जन्म लिया था, वृंदावन में था राजनाथ महाराज की यात्रा में, और हम लोग कीर्तन करिए तब तक शिवात्मा का फोन आया, प्रभु जी मेरे को लड़का हुआ है, गोवर्धन का पूजा ही था, गोवर्धन पूजा के दिन, तो उसका नाम पड़ गया गिरिराज। तो जब वो छोटा बच्चा था तो बच्चा लोग बड़ा बदमाश होता है, समझ रहे? तो उस समय मालदा तरफ रहता था कहीं, तो हम उसके पास गए थे मिलने के लिए, प्रोग्राम किए थे। तो फिर मैं सुबह ट्रेन था तो मेरे को ड्रॉप करने आ रहा था, तो वो बचवा बोलता हम भी जाएगा, हम भी, और वो बोलता हमको जाना ही है, मतलब प्रभु जी जाए नहीं जाए हमको जाना है, समझ, मतलब स्टेशन, मतलब स्टेशन है बाइक पे चढ़ना, समझ रहे? और उसको जैसे ना बोलेंगे वो जमीन पे गिर जाएगा पूरा फुल दंडवत, और फिर पूरा एकदम कृष्ण प्रेम में आके रोंगटा करना, और फिर कृष्ण प्रेम में कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब समझ रहे? ऐसे से क्या नया नया आवाज निकालेगा, समझ रहे? तो ऐसे रोने लगा, तो फिर भाई क्या करे, बाइक पे चढ़ गया वो, हमसे पहले वो चढ़ गया, समझ रहे? तो जो है तो ऐसे डिस्कस, भाभरा खतरनाक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, लेकिन तो फिर उसके बाद शिवात्मा से बात होने लगा, बोलो प्रभु जी वही लड़का कितना मतलब इंटेलिजेंट भी है और बदमाश भी है। तो एक बार वो अपना फ्रेंड लोग से बात कर रहे थे ऑफिस, मतलब फ्रेंड लोग से बात कर रहे थे वो अपना, तो वो बच्चा बोल पापा पापा, तो ध्यान नहीं दे रहे थे, बात कर रहे थे चार पांच लोग फ्रेंड लोग, तो बार बार पापा पापा, तो ध्यान पापा पापा, ऐसे ही टाइम पास करे। तो बोलता है सिंह साहब, समझ रहे? बचवा क्या बोलता है, सिंह साहब, समझ रहे? तो पिताजी तो बुरा हो रहा है, क्या बोल रहे? तो सोचा है बचवा की बार बार लोग सिंह साहब बोलता तो एकदम ध्यान से सुनते हैं, तो तू भी बोलता है क्या सिंह साहब, तो एकदम तो वैसे ही कृष्णा प्रेम से बोल रहे बाबा बाबा ध्यान। तो कृष्ण बोलते देखिए बाबा, समझ रहे, बहुत प्राइवेट बात है क्या, समझ रहे, प्राइवेट बात को भी घर वालों से छुपाना नहीं चाहिए। आपके बाबा जी अड़क गया, अरे बड़े तो सब गए हो गए, फिलोसफी बोल रहा है, बोलते लग रहा प्राइवेट बात है सब यज्ञ करना, इसलिए हमको नहीं बता रहे क्या, लेकिन हम घर वाले हैं, घर वाले को छुपाना शास्त्रीय प्रिंसिपल है। बाप रे बाप, तो मेरा बचवा बड़ा होशियार, ध्यान देने लगे, बोले बाबा ये इंद्र यज्ञ क्यों कर रहे हैं आप? अब देखिए इतना इंटेलिजेंट लड़का समझाए बेटा, इंद्र जो है हमें क्या देते हैं, पानी देते हैं, इंद्र क्या देते हैं, और दूसरा जी हम यहां समझ सकते हैं, जीवन में कृष्ण पे ध्यान नहीं देंगे ना तो कृष्ण ऐसा कमेंट मरवाएंगे आप पे कि ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे, ऐसा बदनाम कर देंगे, ऐसा कोई कुछ बोल देगा, फिर हरे कृष्ण ही करना पड़ेगा, समझ रहे, ऐसा कोई स्थिति में डाल देंगे कि आपको भगवान का शेल्टर लेना ही, समझ रहे, कुछ फैल जाएगा आपके बारे में, या सांप आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो जो भी है, दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे ना, जे सुख में सुमिरन करे दुख का है, तो इसीलिए पहले भगवान का भजन कर लीजिए, नहीं तो फिर हरि बोल होगा तब फिर करना पड़ेगा, कौन सा ज्यादा बढ़िया है,
हाँ, तो वैसे ही हमारे कृष्ण को ध्यान नहीं दे तो ऐसा स्थिति डालेंगे कि दम आपको उसमें ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो अब वो ध्यान देने लगे, अब ध्यान देने लगे तो तुम बोलने लगे, बाबा आप इतना यज्ञ प्रज्ञ क्यों कर रहे हैं? बेटा इंद्रदेव इंद्रदेव इंचार्ज है पानी के, इसलिए उनको तो कुछ करना पड़ेगा ना, समझ रहे? तो बोलता बाबा ये तो आप लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप लोग बीज डाल रहे हैं, आप लोग अपना मेहनत कर, तो उनको देना ही पड़ेगा पानी। म्यूनिसिपैलिटी का कोई पानी इंचार्ज, उसका ड्यूटी है पानी देना, तो देगा ही, उसमें क्या है, समझ रहे हैं? उसके लिए अलग से पूजा करने का जरूरत, अलग से पूजा करने का क्या, उसका ड्यूटी हो तो दी गए। नहीं नहीं बेटा ये बहुत बड़ा प्रथा है, हम लोग बहुत सालों से करते आए हैं, ये करना जरूरी है। तो बाबा क्या जरूरी है, इंद्रदेव क्या दे रहा है? वो तो इंचार्ज है, अकाउंटेंट है, आपका अकाउंट में 5 लाख तो देना ही पड़ेगा उसको, उसमें अलग से पूजा का करे, कैशियर के पास जाएगा कोई पूजा करेगा उसका, जो उसमें पूजा करना, समझ रहे हैं? तो भगवान घुमा दिए उसको, समझ रहे हैं? बोले नहीं नहीं बेटा, वो जानते थे भाई इंपॉर्टेंट है करना, बार बार कृष्णा एम्फोसाइज करने, नहीं बाबा इसका जरूरत। अब बीच बीच में इंद्र कृष्णा ऐसा देख लेते थे, समझ रहे हैं? जरूरत नहीं बाबा, बात करे इधर और देखते थे इधर, बाबा जरूरत नहीं है इंद्र को चढ़ाने का, जरूरत किसको देखते थे? इंद्र को, क्योंकि इंद्र को थोड़ा सा क्या हो गया था, अभिमान आ गया था कि हम बड़े हीरो हैं, हम देते हैं पानी, और भगवान को अभिमान पसंद। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, बोले भगवान पापा इंद्रदेव का पूजा करें जरूरत, इंद्र कुछ नहीं देता है, जो आप करें उसे मिल रहा, उसके देने से नहीं होता। अब इंद्र सुन के एकदम उसे हड़कने लगा दी, तो सबके सामने मेरे को क्या कर रहा है, मेरा अथॉरिटी उड़ा रहा है, समझ रहे? तो इंद्र पूरा एकदम गरम आने लगा, और इधर हमारे और कृष्ण अब लॉजिक में फंसाने लगे बाबा को। बाबा बोलते ठीक है बेटा, बोल बाबा इंद्र का पूजा करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? इंद्र कुछ नहीं करता है। नहीं बेटा इंद्र करता है। अच्छा इंद्र करता है, सच बोल रहे हैं आप, इंद्र का पूजा करेंगे तभी पानी आएगा? बोला हाँ बेटा, बस जो बहुत जगह तो इंद्र का पूजा नहीं होता है तो उधर पानी कैसे आता है, समझ रहे? और राधा कुंद महाराज लेक्चर में बोलते हैं कि पता नहीं कृष्ण बोले कि नहीं, तो कृष्ण पूछने लगे कि तब ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा इंद्र का भक्त लोग चेरापुंजी में बैठा है का, इतना बारिश होता है, चेरापुंजी का नाम सुने ना, हाँ सबसे ज्यादा बारिश वही होता है। तो बोलते क्या सबसे बड़ा इंद्र का पूजक लोग सब चेरापुंजी में बैठा हुआ है क्या? तो आप नंद महाराज कहा बोले, और बोले बाबा आप बोलिए, आप बोल रहे हैं इंद्र का पूजा नहीं करेंगे तो पानी नहीं आएगा। अच्छा बताइए समुद्र के अंदर तो कोई नहीं रहता है, समुद्र के अंदर तो कोई नहीं, उधर भी बारिश होता है तो उधर कैसे होता है? अब ऐसा लॉजिक में भगवान फंसा दे, भगवान के सामने कौन टिकेगा, समझ रहे हैं? घुमा फिरा के फिर भी नंद महाराज को पता था कि ये बचवा जो बोल रहा है सब गलत बोल रहा है, समझ रहे? लॉजिक से थोड़ा होगा भाई, इंद्र देता है वो तो बात सही है। बोले ठीक है बेटा अभी करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथा है। नहीं बाबा इंद्र कुछ नहीं करता, आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, करता है नहीं पता नहीं। बोलते गोवर्धन करते हैं, गोवर्धन हरा हरा घास देते हैं तो आपका गाय खाता है, समझ रहे हैं? तो बढ़िया दूध देता है, और गोवर्धन में इतना सारा नदी उदी है, एकदम पानी देता है गाय को पीने के लिए, हम लोग को पीने के लिए, गुफा है खेलने के लिए, समझ रहे हैं? बारिश आएगा तो गुफा में जा सकते हैं, तो आपको गोवर्धन पानी देता है, गोवर्धन आपको सुंदर घास देता है, छांव देता है, गुफा है, ये है, गोवर्धन बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं? इसलिए गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। इंद्र का पूजा करने की दरकार नहीं है, समझ रहे हैं? किसका पूजा करना है? अब नंद महाराज बोले बेटा ठीक है बेटा तुम टेंशन मत लो, गोवर्धन का भी पूजा कर देंगे, एक हमारे पास दूध का कमी नहीं है, पीने
फिर से मिठाई बनवा के गोवर्धन, अभी अभी इंद्र का पूजा करने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो। बोल नहीं बाबा, गोवर्धन सब कुछ करते, ये जो आप इंद्र के लिए बनाए ना यही गोवर्धन को चढ़ा दी, समझ रहे हैं? इंद्र को चढ़ाने का दरकार? अब ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट होता है। भगवान भी जब प्यूरिफाई करते ना पूरा एकदम, एक बार मेरे को पाँव में बहुत बदमाशी कर रहे थे हम लोग, स्कूटर पे चढ़ने का बड़ा शौक था, छोटे बच्चे थे समझ रहे हैं, तो स्कूटर में हम लोग भागलपुर में रहते, तो हमारे एक मामा जी के लड़के बड़े थे तो स्कूटर चलाए थे सोनू भैया, और हम लोग 5-6 लोग, 7-8-10-15 बच्चे थे छोटे छोटे। अब एक चढ़ उनको एक को बिठाया समझ रहे, दो को बिठाया, सब बोला हम भी बैठेंगे, तीसरा भी बैठ गया, चौथा भी बैठ गया। अब एक स्कूटर में एक आदमी चला रहा, 5 लोग लटक चुका है, हम बोले हम क्यों छोड़ेंगे। जिस प्रकार से भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे तो सब बंद पुष्पक विमान में आए, तो जब लंका से पुष्पक विमान छोड़ रहे थे तो सब बंदर लोग बोला भाई हम भी चलेंगे, ठीक है तुम भी लटक जाओ। अब सब बोला हम, करोड़ों करोड़ों बंदर लटक गया समझ रहे। तो ऐसे ही स्कूटर जा रहा था, कहीं कहीं जा रहे थे, ऐसे गली में घूमता और क्या करता, लेकिन जाना तो हमको भी है समझ रहे। स्कूटर चला जाएगा तो मतलब समझ रहे हम नहीं चढ़ पाए, मतलब मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मतलब देखो कैसा मन है उस समय, कैसा मन क्या बोलता है, अगर मैं नहीं चढ़ पाया तो मेरा जीवन बर्बाद, समझ रहे। तो छोटा बच्चा ऐसा सोचता है, बड़ा बच्चा लोग सोचता है मेरा जॉब नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद, मेरा 20 लाख का पैकेज नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद, समझ रहे। तो वो छोटा बच्चा ये बड़ा बच्चा है समझ रहे, और थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है हमारा, उससे शादी नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद, समझ रहे। लेकिन कुछ नहीं है, सब क्या है, बैलून है झूठ मूठ का। जैसे हम छोटे बच्चे में सोचे स्कूटर में नहीं चढ़े तो हमारा जीवन, तो हम कूद गए, स्कूटर आगे चला गया लेकिन हम पीछे थे, हम बोले हारेंगे कैसे, हम भी कूद जाएंगे, दौड़ दौड़ के हम कूद गए, कूद गए तो जगह सुसा नहीं। वो जो टायर होता था एक पीछे, उसमें भी 2 लोग बैठे था समझ रहे। तो आप आपको जगह कहाँ से मिलेगा, अब लटक तो गया स्पीड में था स्कूटर में समझ रहे, 10-15-20 किलोमीटर स्पीड पे होगा तो चढ़ तो गए, अब ये जगह ये तो कहाँ बैठेगा समझ रहे, हवा में समझ रहे। तो अब किसी प्रकार से मरता क्या नहीं करता, तो हम दूठों को ऊपर पकड़ लिए, नीचे जहां पाऊं जहां जा सकता था समझ रहे, तो एग्जॉस्ट जो था ना उसी पाँव, जहां से धुआं निकलता है ना उसी पाँव, मतलब कहीं तो छूने चाहिए, मतलब समझ रहे कुछ तो पकड़ता है मेरे को समझ रहे, तो हरी बोल समझ रहे। तो हम आश्रय लिए किसका, एग्जॉस्ट का, और हमको एग्जॉस्ट कर दिया और मेरा पाँव जल गया समझ रहे, अभी तक दाग है। एक शेल्टर लिए एग्जॉस्ट का, तो मेरा पाँव को ऐसा एग्जॉस्ट किया जीवन भर के लिए दाग बना लिया समझ रहे। और आप भौतिक चीजों का आश्रय लेंगे तो आपको एक शरीर मिल जाएगा जो आत्मा पे दाग है, क्या है वो, जैसे मेरे को पाँव में खल का दाग हो गया अभी तक है, वैसे ही हम लोग दाग लग गया, कितना दुखी हो गया, मेरा पूरा घाव हो गया, एकदम परेशान हो गया, डॉक्टर फॉक्टर, एक छोटा सा दाग होता है हम लोग कितना परेशान हो जाते, कितना दिन डॉक्टर के पास घूमे। लेकिन आप अगर भौतिक चीजों का आश्रय लेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुत्ता का शरीर ले रहा तो जीवन में कुत्ता का दाग रहेगा समझ रहे, हटा भी नहीं, हटाने का इच्छा भी नहीं करेगा आप समझ रहे। फिर कितना महीना डॉक्टर के पास घूमे, ये वो, कितना पाउडर लगाना पड़ता था समझ रहे। तो एक बार क्या हुआ बड़ी फिर उसके बाद में धनबाद वापिस आ गया झरिया, तो एक बार न्योता आया था शादी का कहीं, तो किसी का समझ रहे, पाँव में चोट है लेकिन यहाँ का भी जीवा बेगम भी कम नहीं है, पार्टी में खाना तो ये पाँव में लगा तो क्या हुआ, पाँव में अलग कष्ट है लेकिन मुंह में अलग कष्ट है, टेस्टी आइटम खाने चाहिए, न्योता है फ्री का तो खाना चाहिए समझ रहे। तो पहुंच गए लेकिन हम बहुत केयरफुल थे कि इसको बचा के, क्योंकि यहाँ पर कोई फूकता भी था तो दर्द होता था समझ रहे, नहाते समय भी प्लास्टिक प्लास्टिक बांध के नहाना पड़ता समझ रहे, पूरा प्रोटेक्ट, पानी की चला गया तो बहुत कष्ट होगा। रात को सोते समय भी हमारा एक भाई था वो मोटा था, बड़ा मोटा था, वो मारता था लात रात को समझ रहे, मतलब समझ रहे, मतलब अपने आप उसका लात चलता समझ रहे, जानबूझ के नहीं मारता था। तो हम अलग जगह सोते थे भाई, बच्चा लोग एक रूम से, हम बचा के सोना पड़ता था, कहीं गलती से मार दिया तो
समझ रहे, ऐसे ही बिना शरीर हेल्दी शरीर में मार देगा तो मार चोट लगता है, तो समझ रहे हैं, इसमें मार दिया तो फिर हरी वो, तो इतना हम रक्षा के लिए, कर्मा जब आएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो हम उस शादी में गया, एकदम किनारे में दीवार तक खड़ा था कि भाई इधर तो कोई घुसेगा नहीं, समझ रहे हैं, एकदम सब कुछ एकदम अपना हम प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाया था। तब तो एक आदमी आया, पता नहीं उसको क्या हड़बड़ था, ऐसा दौड़ा जैसे लगता है 100 मीटर रेस में दौड़ रहा, और इतना मोटा जूता, समझ रहे, काला वाला जूता आता ना उसका पीछे में एकदम जो ऐसे एटलीस्ट जो प्लास्टिक वाला जूता आता है वो तो बहुत पतला होता है, मतलब ठीक है उसका भी मतलब चोट लगता है, लेकिन पहले जो आता था जूता ना एक ठो उसका पीछे वाला जो ब्लैक जूता के पीछे रहता था ना वो पूरा एकदम सॉलिड रहता था, मारेगा फोड़े देगा आपको, समझ रहे। और जा रहा था समझ रहे, उसका मेरे से कोई दुश्मनी नहीं था, पता नहीं क्या था पिछले जन्म का कर्मा, वो ऐसा स्पीड में निकला कि मेरे को पता नहीं चला हुआ मतलब कहाँ से प्रकट हुआ, और वो एकदम पता नहीं लात चला, भाई इधर मैं खड़ा हूँ ऐसे जान, मैं ऐसा लात निकाल के खड़ा था कि भाई इधर से कोई नहीं आ गया, लेकिन प्रोटेक्टिव सिस्टम सब तोड़ ताड़ के, समझ रहे, जैसे हम अभिमन्यु पूरा स्वयं क्या बोलते उसको चक्रव्यूह तोड़ के घुस गया, वो बेटा कहाँ से तोड़ ताड़ के घुस गया, मतलब एग्जैक्टली उसका पांव एकदम जो टीपा एकदम वहीं बजा, समझ रहे, मेरा जो हुआ समझ रहे, कृष्ण प्रेम आ गया क्या आ गया जो मैं चिल्लाया समझ रहे, पूरा शादी में सब लोग एकदम समझ रहे, कहीं तो कुछ तो हुआ है समझ रहे। तो ईसा भगवान भी जो है ना एकदम तो समझ के एकदम जब हिट मारते एकदम एग्जैक्ट मारते, तो वैसे इंद्रदेव को भगवान एकदम एग्जैक्ट हिट मार रहे कि ये यज्ञ जो है ना ये इंद्र को दीजिए, मैं डायरेक्ट गोवर्धन को दीजिए। अब आप खाने बैठे हो, अब आपको प्लेट में डाल दिया है सामान, अब खाने वाले हो, तो बोला तो इसको कूपन दो, ये निकाल दो कौन सा वॉइस आ गया, एक वॉइस हम लोग आर्डर में नहीं है, समझ रहे सही आदमी वाला बैठ गए पर समझे, 10 आइटम लेके छप्पन वो कहा खाएंगे वहां प्रसाद बोल चुके विधायक और मेहमान दे हरी हरी वो बोलते एक कौन लड़का है इसका तो है नहीं यहाँ पर, इसको निकालिए, अरे बाप रे बाप कैसा लेगा, समझ रहे। वैसे इंद्र को भगवान बिठा दिए, पूजा हो गया, सब रेडी हो गया, बोलते मत चढ़ाओ, इंद्र का ईगो पूरा एकदम बलबला के एकदम समझ रहे बम बम कर दिए भगवान, समझ ढोम ढोम मतलब इंद्र को एकदम समझ सांप होता है ना कल उसको पकड़ने का प्रयास कर तो सांप वो दिखा रहा है, समझ रहे। तो वैसे इंद्र पूरा एकदम बमक गया, अरे तो भगवान जब प्यूरिफाई करेगा ना गजब प्यूरिफाई कर, समझ रहे आपको एकदम हरी बोल कर देंगे। तो हमारे क्या बोलते हैं फिर भगवान बोले, तो भगवान नंद महाराज बोले नहीं नहीं बेटा बाद में कर देंगे, अभी इंद्र का रेडी हो गया, बोले नहीं नहीं भैया पापा अब ये कीजिए, क्या कीजिए इसी को दे दीजिए। और नंद महाराज बोले बेटा इतना परेशान क्यों कर रहा है भाई, छोड़ दो दे देंगे बाद में, एक तो नहीं इसी को ही चढ़ाया, अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या कीजिए यही वाला किसको चढ़ा दीजिए। अब ब्रज के लोगों का भाव है कि कृष्ण को संतुष्ट करना, क्या करना है कृष्ण को खुश, अब कृष्ण को खुश करेंगे मतलब हरि बोल होगा। आप नंद महाराज को पता था फिर इंद्र छोड़ेगा, लेकिन भक्तों का ऐसा भाव होता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी हो, अगर कष्ट भी सहना पड़ेगा तो हम लोग, तो सबको पता था कि हरि बोल होने वाला है, नहीं सब ब्रजवासी लोग बोले कि हम लोग जरूर क्या करेंगे। अब कृष्ण बोले हमको प्रसन्नता क्वेश्चन क्लास के बाद लेंगे, ठीक है। तो क्या बोले मैं आपको कि कृष्ण बोले कि बाबा अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाहते तो क्या कीजिए आप पहले यही को चढ़ा लें। आप 100% वो लोग वैदिक फॉलोअर तो उनको पता था अगर नहीं चढ़ाएंगे तो इंद्र हरि बोल करेगा, लेकिन सब ब्रजवासी बोले ठीक है कृष्ण को अगर पसंद करेगा तो पूरा रिक्स लियो, समझ रहे।
वो यज्ञ किसको चढ़ा दिया? गोवर्धन। कृष्ण खुद सिखाए कि देखिए ऐसे ऐसे आइटम बनना चाहिए, ऐसे ऐसे भोग लगेगा, ऐसे होगा, खूब मिठाई खूब बनवाए, समझ रहे? तो जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए उसको मिठाई खूब खाना चाहिए, समझ रहे? तो जो भी है सब कुछ बोनाफाइड नहीं है, कभी कभी लोगों के अनुसार बुलाया जाता है, समझ रहे? एक बार भक्ति भूषण महाराज के पास में रूम में मिलने गया तो वो मेरे को मिठाई खिलाए कुछ, तो बोले मिठाई रसगुल्ला कुछ तो था, स्वीट संदेश या कुछ तो था, मुझे याद। बोले तुमको मिठाई पसंद है? तो मैं क्या बोलूँ, समझ रहे? पसंद तो सभी को है मिठाई, समझ? कुछ बोल नहीं पाए, मतलब चेहरे से समझ गया महाराज बोलना चाह रहे हैं, हाँ, समझ रहे? भारत में आप चेहरे का ज्ञान होता है, एक साइंस होता है, चेहरे से आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह। अब आजकल का लोग ब्लंट हो गया तो समझता नहीं, इसलिए झगड़ा होता है जीवन। चेहरे से समझना है, लोग हाँ बोला ना बोला, बोलना क्या चाह रहा समझना पड़ेगा। जैसे आप शादी में कहीं जा रहे हो, ताऊ जी बोलेंगे उनको मिठाई ले, खाएंगे क्या? वो नहीं 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 प्लेट पूरा ऐसे खुले ले, समझ रहे? खा रहे खाएंगे रसगुल्ला? नहीं 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 ऐसे करके बोला, नहीं 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 तो अरे नहीं बोल रहे मतलब क्या? जैसे हमारे कार्तिक बू बताए थे, जब मैं बोलूँ ना तो समझो हाँ, अरे क्या? अरे वो तो अलग है, जब मैं बोलूँ ना तो तुम समझो हाँ, समझ रहे? जब मैं बोलूँ ना ना तो तुम समझो हाँ, समझ रहे? और जब मैं बोलूँ दस तो डालो आम दस, समझ रहे? जब मैं बोलूँ बस तो, जब बोलूँ बस तो डालो आम। तो ये लोग बिहार गए तो बहुत आम फीस चल रहा था, तो बड़ा नया नया फॉर्मूला सीखा मैं, बहुत मंत्र सीखाऊँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य नमो ओम विष्णु पाद, समझ रहे? लेकिन ये सब मंत्र बड़ा विशेष मंत्र है, समझ रहे? महाप्रसाद गोविंद सुने थे, लेकिन हम लोग नया नया मंत्र सीखे, जब मैं बोलूँ बस तो डालो आम। बड़ा अच्छा लगा मंत्र था। हाँ तो जो है, तो हमारा किसका चेहरे की बात हो रहा था? हाँ तो महाराज हमको बोले तुम पसंद है मिठाई, तो हम कुछ बोले नहीं, मतलब अंदर से हम बोलने वाले थे हाँ, लेकिन क्या बोले, समझ रहे? बोले तुमको पसंद है ना? यस आई नो। तो बोले इसका मतलब तुम मोड़ो गुडनेस में, तुम मोड़ो। अब मैं तो और खुश हो गया, वाह मोड़ो गुडनेस में आ गया। बोले जिसको मिठाई पसंद है वो कौन सा मोड में है? बोले बढ़िया है भाई, समझ रहे? तो किसी लोगों को मिठाई पसंद? वाह आप लोग सब मोड़ो गुड्डे। तो जो भी है, हाँ जो भी अब उसको डायरा डिटेल भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जब वो इस श्लोक पे चर्चा करते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो बोलते हैं जब जीवा वेगम के बारे में डिस्कस करते हैं कि आदमी को जितना जरूरत उतना ही खाना चाहिए, ये वो समझ रहे, भूख लगा के खाना चाहिए, सब बोलते हैं। और तो फिर बोलते ज्यादा नहीं बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, ज्यादा मैं इसके बारे में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए समझ रहे। तो क्या बताया था मैं आपको, तो जो प्रसाद आप खा सकते, कोई टेंशन नहीं। इसलिए क्वेश्चन बोनाफाइड क्वेश्चन पूछना चाहिए, अनबोनाफाइड क्वेश्चन केवल मिठाई पसंद से मैं पूछना चाहिए, बहुत लोग का हृदय टूट जाएगा, इसीलिए ना क्वेश्चन भी संभल के पूछना चाहिए, समझ रहे हैं? क्या बताया था मैं आप लोग को, हाँ तो भगवान बोले मिठाई खूब बनाओ, ये बनाओ, खूब अपने इंस्ट्रक्शन दिए, ये मिठाई बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, समझ रहे? देखिए मैं आपको सुनाता हूँ कृष्ण ने क्या बोला। कृष्ण बोले पिताजी आप गोवर्धन को पूजा कर दीजिए।
यह दृश्य जगत प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तमो के अधीन चल रहा है। यह तीन गुण उत्पत्ति पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल प्रदान अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन? यदि आप इंद्र को पसंद न भी करेंगे तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इतना तो इंद्र को खूब गाली भी दे रहा है। अगर सचमुच में इंचार्ज है तो जहां पानी जरूरत है वहां क्यों बरसा रहा? मतलब मूर्ख इंचार्ज क्या है बेटा? एक नंबर का मूर्ख। समुद्र के ऊपर पानी का जरूरत है? इतना ऑलरेडी पानी भरल है फिर भी उधर फटका रहा है, पागल, समझ रहे हैं? अतः हमें पूजा करे या ना करे वह समुद्र पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। यहाँ तक हमारी बात है। हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य किसी से नहीं। अतः हे पिताजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार बेकार हो। इंद्र को सुना सुना बेकार है, अरे मूर्ख है, जहां जरूरत नहीं वहां डाल देता पलट। इंद्र पूरा भमक रहा, बेटा तुम मेरे भाई सब बोल रहे हो। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, बेटा क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर दूंगा। बेटा टेंशन मत लो, किंतु अभी इंद्र को एक करने दो। तो मेरे नहीं पापा, विलंब न करें। आज गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रखा गया है उसमें काफी समय लगेगा, अतः अच्छा तो यही होगा इंद्र यज्ञ के लिए जितनी भी तैयारी की गई, जितनी मिठाई बनाई उसे आप गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों संतुष्ट करने में लगा दे। अंतोगत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। जब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि यज्ञ के लिए क्या करना पड़ेगा तो कृष्ण ने आदेश दिया, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान, अच्छा घी बहुत इंपॉर्टेंट है, घी से बनना चाहिए सब, क्या बनना चाहिए? अन्न तथा घी से विविध पकवान तथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन तथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाए। जो हमारे वॉइस डिवोटी सफेद सफेद कपड़े में सब ब्राह्मण, जो सफेद धोती कुर्ता पहनता है वो तो ब्राह्मण हो ही गया, समझ रहे? सब क्या है? ब्राह्मण है यहाँ पर। उनको बुलाया जाए, समझ रहे? और फिर ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, सब लोग दो घंटा उच्चारण करता सहित आहुति अग्नि को प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाए, समझ रहे हैं? सारी गवों को सजा कर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। गैया आती रहती है हमारी, समझ रहे? इसके इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों तथा चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को पेट भर के प्रसाद दिया जाए। गवों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ में परम संतुष्ट होगा, समझ रहे? तो इस प्रकार से भगवान ने बोला गोवर्धन पूजा चालू करो। तो अब वो लोग का प्रेम था भगवान के प्रति तो लोग विचार चालू कर दिए इंद्र का पूजा। तथा भगवान कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने का कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावनवासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गवों को आगे रख करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों के ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा। वृंदावनवासी एकत्र हुए, उन्हें अपनी अपनी गौवें सजाई और उन्हें हरी हरी घास
खाने को दी। फिर गौओं को आगे करके गोवर्धन पर जाई पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्र सजाया और बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन में स्वामी वृंदावन उन्होंने खूब बड़ा रूप गोवर्धन का रूप धारण कर लिया और घोषित किया मैं कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण था गोवर्धन पर्वत। भगवान बड़े रूप में प्रकट हो गए और सब खाने भी लगे हाथ से। सब लोग भाई हमारा दूध पी गया सचमुच में, इतना दिन से बेटा इंद्र को चढ़ाए थे एक बार भी पकड़ने वाला, ये हमारा तो खाता है हमारा गोवर्धन तो। और फिर कृष्ण एक और छोटा रूप में भी खड़ा, देखा देखा हम बोले थे ना कि गोवर्धन का पूजा को देखो ये खाता, तुम्हारा इंद्र खाता था इतना दिन। सब बोला ठीक बोला बेटा तुम ठीक बोला ठीक बोला। हाँ अरे हमारा इंद्र पूरा हल्ला होने लगा, रे भाई हमारा गोवर्धन कृष्ण सही सिखाया, गोवर्धन खा रहा है आशीर्वाद दे रहा है, वही बेटा गोवर्धन के रूप में आके खा रहा है, समझ रहे कृष्ण बड़ा हो गया, एक तो छोटा एक तो बड़ा डबल रूप, समझ रहे। खूब सब लोग खुश हो गया, हल्ला हो गया। अरे कुछ लोग रहता है छोटा लोफर टाइप बच वालों, अरे पता है रे इंस्टीट्यूट मार के ना, अरे जबरदस्त पता उधर खा रहा है रे, समझ रहे। कुछ बोलता अरे सब खा जाएगा तो खा बचेगा रे, समझ खुश भी हो रहा है दुखी भी हो रहा है, समझ रहे। तो जो भी है तो उसके बाद गोवर्धन सब वापिस कर दिए, समझ पूरा एकदम। तो आप तो हो तो गया गोवर्धन पूजा, बड़ा आनंद आया, समझ रहे। तो भगवान ने बोला कि जो भी ये पूजा करेगा, समझ रहे। भगवान बोले जरा देखो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार ये विशाल रूप धारण किए हैं और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार संपन्न की है, यदि कोई उस रूप से नहीं करेगा तो सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत के अनेक सर्प हैं और जो गोवर्धन पूजा संबंध निराधी कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे सर्प काट लेंगे और मर जाएगा। गौ तथा उसके अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण के आज्ञा का पालन किया और बाद में अपने अपने घरों को तो बड़ा आनंद मिला गोवर्धन पूजा करके, समझ रहे हैं। तो वैसे जब हम कृष्ण का आदेश पालन करेंगे तो इस जगत का काल सर्प आपको काटेगा नहीं, लेकिन आप कृष्ण का आदेश पालन नहीं करेंगे, सोलह माला नहीं करेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, सुबह नहीं उठेंगे तो आपको क्या है काल सर्प काटेगा, फिर कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण का आदेश पालन करें, लेकिन कृष्ण का आदेश पालन नहीं करने से सांप काटेगा और करने से इंद्र काटेगा, कौन सा ज्यादा बढ़िया, समझ रहे हैं। आदेश पालन करेंगे तो भी बचेंगे नहीं, नहीं करेंगे तो सांप तो काट, कृष्ण बोला नहीं करेगा तो सांप कटवा देंगे फिर से जन्म करवा देंगे, लेकिन कृष्ण का आदेश पालन करेंगे तो भी आपको इंद्र छोड़ेगा, कौन किसके पास क्या करना चाहिए, कृष्ण का आदेश पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर इंद्र छोड़ेगा नहीं, समझ रहे। वैसे आप भक्ति करेंगे तो ये मत सोचना अरे कृष्ण बोला सांप से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर कोई और तकलीफ तो नहीं, टेंशन मत ले, कृष्ण आपके साथ हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC पॉलिसी आप टेंशन योग से वहां में हम अगर आप अनन्य चिंतन तो माम करेंगे अनन्य चिंतन माम ये जना परिपास तेसा मित्र योग से माम। भगवान बोले टेंशन, जब भगवान जन्म लिए थे तो गर्भ मुनि जब नाम देने आए तो बोले देखो ये बच्चा जब से आएगा तब से बहुत तकलीफ आएगा बिना हो, लेकिन इसका स्मरण करते रहेंगे तो निकलते रहेंगे, समझ रहे। तो वैसे ही अभी कृष्णा को तो स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई इंद्र पूजा नहीं करेंगे गोवर्धन पूजा करेंगे, कृष्ण का आदेश पालन किया तो अब क्या होगा, अब अलग टाइप का तकलीफ आना चालू, समझ रहे। लेकिन जितना तकलीफ आएगा उतना वो लोग क्या करेंगे कृष्ण का आश्रय लेंगे और वो तकलीफ क्या बन जाएगा और अच्छा। तो अब इंद्र का पूरा क्या हो गया, उसको 440 वोल्ट का करेंट लग गया,
समझ रहे, अब उपमा किया बेटा, ऐसा मेरा बदनामी किया, समझ रहे। तो कृष्ण क्या किया, पूरा गुस्सा, इंद्र पूरा गुस्सा आ गया, इंद्र का हो गया पूरा गुस्सा आ गया। अब अपना आदमी लोग को बुलाया, हो का चल रहा है उसका, कुछ जासूस लोग बता दिया, पता है, पता का चल रहा है, आपका पूरा बदनामी किया है। रिकॉर्डिंग सुनाते, देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग, देखिए काका बोला है, हाँ वो बचुआ ईसा बोला, समझ रहे। तो भगवान को खूब गाली दिया, क्यों 2 साल का बचुआ, 7 साल का बचुआ, 3 फुट का हुआ नहीं है, बड़ा 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 बात बोलता है, हाँ बाचाल बोला। कृष्ण को क्या गाली दिया, खूब बोलता है वो बेटा, समझ रहे। तो कृष्ण को बोलता है कि वो बचवा का इतना, समझ रहे। तो क्या बोलता है, संवर्तक सबको बुला लिया। तो क्रुद्ध होके जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालो द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया, तो अत्यंत क्रुद्ध हो गया और नंद महाराज आदि वृंदावासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे पूर्णतः ज्ञान था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसको पता था भगवान ऊपर है उसके, लेकिन फिर भी ईगो जब आता है ना तो आदमी सब भूल जाता है, समझ रहे। एक आदमी उसको इतना ईगो चढ़ गया, समझ रहे, क्यों उसको लगने हमसे बढ़कर कोई नहीं। तो एक जगह वो क्या क्या खड़ा हो गया ऐसे जाके, हजारों लोग आगे बोल, देखो हमें कितना शक्ति है, कहा शक्ति है, पेड़ कट रहा था, इतना बड़ा पेड़ था, उसको काट रहा था, वीडियो देखे आप लोग, ऐसे काट रहा है 2 आदमी, एक कलाड़ी ढूम ढूम मार रहा है और गिरेगा, सब बोला रहे मर जाएगा, रहेगा बोला कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो कहो कि हम पेड़ को रोक देंगे, इतना बड़ा पेड़ समझ रहे, एकदम ह्यूज, और खड़ा ले ऐसे ऐसे करा, समझ रहे। और भीड़ आ गया कि भाई सचमुच भाई तो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, और उधर दो लोग कुल्हाड़ी से धूम धूम मार रहा, और फिर धूम पेड़ जब गिरा और खड़ा ले इसे, और फिर वो गायब हो गया, मतलब समझ रहे पेड़ के अंदर, और सब लोग साइकिल उकिल लेके आता चला गया। अंतिम संस्कार करे जरूरत देवी खुद, हरी बोल हो गया उसका। तो दुनिया में लोग तमाशा बजाने वाला आपको बहुत इंग्र, हाँ हाँ खूब अच्छा करो करो, हम लोग देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, समझ रहे। और पूरा पिसा के हरी बोल। तो हमारे इंद्रदेव को पता था ये पावरफुल आदमी, लेकिन उसका ईगो इतना चढ़ गया कि भूल गया कृष्ण का पावर, समझ रहे हैं। और संवर्तक को बुला दिया है, व्हाट्सएप पे जल्दी आओ, मीटिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। संवर्तक को बुला लिया, इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि तुम वृंदावन में जाओ, सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप लावित कर दो। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान पुरुष मानने लगा। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वे परम नियंता भगवान की अवहेलना करने लगते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित हो गया था और परम नियंता को ललकार चाहता। तो जीवन भर हम लोग बहुत अच्छे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावर आना भी बहुत डेंजरस। इट सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जीवन में बहुत ज्यादा पावर होना क्या है, डेंजरस। इतना पमक गया, इतना उसको पावर का पावर, जैसे हमारे सुग्रीव को बहुत ज्यादा पावर आ गया, राजा बना दिया भगवान, समझ रहे हैं राम जी। तो इतना उसको पावर आ गया कि दिन भर फिर रूम से निकलने नहीं रहा, सिर्फ दिन भर लड़की लोग साथ, मतलब वाइफ लोग साथ एंजॉय कर। भगवान बोले थे 4 महीना बाद, चतुर्मास के बाद तुम सीता के बीरों में तड़प रहा हूँ, खुजवाना बोला था। अंदर से आदमी अच्छा था लेकिन भोग विलास में इतना लिप्त हो गया, भूल गया। तो अब लक्ष्मण जी गए, उसको एक डोज दिया पूरा दम, समझ रहे हैं, उसको लगा मारे देगा आज, तो अपने नहीं गया, तो इतना नशा में था बेटा, दारू पी के घुलटल था, समझ रहे। तो पत्नी को भेजा, समझ रहे। लक्ष्मण जी बोले अरे पत्नी लोग सब बात नहीं करते, समझ रहे। तो फिर एनी हाउ लक्ष्मण जी उसको समझाए, समझ रहे। तो जब बहुत ज्यादा ऐश्वर्य आ जाता है जीवन में तो सुर भी असुर बन जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ऐश्वर्य जीवन में रखना अच्छा नहीं। इफ यू हैव टू मच ऑफ मनी, टू मच ऑफ रिसोर्सेज, टू मच ऑफ फैसिलिटीज, चांसेस है कि आप डेमोनिक बन सकते हो, इसलिए बहुत ज्यादा ऑपुलेंस रखना। इसलिए भक्तों जीवन में जितना जरूरत उतना ही रखना चाहिए, बहुत ज्यादा रखेंगे तो फिर आप देख सकते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस आ जाता है उसका पतन हो जाता है, समझ रहे। इसलिए बहुत ज्यादा ऑपुलेंस अच्छा नहीं। तो हमारे इंद्र को तो बहुत ज्यादा, सब लोग प्रणाम करता था, इतना
घमंड हो गया। जैसे नहुसा नाम का एक आदमी था, उसको भी इंद्र बना दिया गया था। अब उसको पहले वो सब हम्बल आदमी था, जिसको देखता था प्रणाम करता था, वांछा कल्प करता था। अब वो नहुसा बन गया, सब उसको सुनना लगा तो गाली देने लगा लोग, इतना हीरो बन गया वो। फिर इंद्र की पत्नी सची, जब इंद्र थोड़ा देर के लिए कुछ काम से गड़बड़ किया था तो उसको रिएक्शन के कारण सहना था, समझ रहे। तो उसकी पत्नी अलग थी और नहुसा की पत्नी, वो बोलता नहीं, इंद्र महल में जो भी अमरावती में रहती है मेरी मेरी पत्नी है, बोला मैं इसके साथ भोग करूंगा, ले आओ। वो किसी और इंद्र की पत्नी थी। लेकिन तो इफ यू हैव टू मच ऑपुलेंसेस देन चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट टू मच डिजायर टू एंजॉय। इसलिए वैष्णव लोग जान पूछ के अपना वो विनम्र रखते हैं, हम्बल रखते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा ऑपुलेंस नहीं, समझ रहे, नीडफुल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा होने से चांसेस है कि फिर आपको मेटेरियल एनर्जी स्नैच कर सकते। और कहीं पर हमने सुना है कलयुग चार स्थान दिया था, तो वहां पर तो स्थान नहीं था, परिचित महाराज ने तो बोला जहां पर एक्सेसिव गोल्ड, मतलब जहां पर जरूरत से ज्यादा पैसा रहेगा, जरूरत से ज्यादा चीजें रहेंगी, वहां पर भी कली आ जाता। तो वन शुड नॉट हैव मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, समझ रहे, जितना जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, बहुत ज्यादा रखना बहुत डेंजरस। तो जो भी है, हमारे इंद्र को बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होने के कारण वो भगवान को ही डाउट करने लगा, भगवान को ही अपना दुश्मन मानने लगा, समझ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट भगवान मेरे को सब फैसिलिटी दे रहे हैं, वो भगवान को क्या मानने लगा, अपना कंपटीटर। और क्या बोलता है, भगवान में दोष दिखाता है, अरे देखो वृंदावन वासियों की पागलपन को, देखो उनको कितने धृष्ट हो गए। धृष्ट वो है, और किसको दृष्ट बोल रहा है, अरे पानी का, इंद्र का बाप का पानी है का, मतलब है तो इंद्र का बाप का ही पानी, मतलब समझ रहे। लेकिन इंद्र थोड़ा पैदा करता है पानी, भगवान कृष्ण दे रहे उसको इंचार्ज बनाए, समझ रहे, चुपचाप दो ना, तुम कहे गए इतना नौटंकी कर, लेकिन उनको लगना मेरा पानी है, क्या है किसका पानी है। वैसे हम लोग को भगवान ने ज्ञान दिया, गीता उतार से पढ़ के हम लोग गुरु वैष्णव से मिला है, और हम लोग सोचते बेटा हम नहीं गाइड करेंगे तो इसका किसी और से गाइडेंस देगा, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, समझे, हमसे गाइडेंस लेगा तभी तुमको अधिकार है भक्ति करने का, नहीं तो अरे ठीक है भाई आप हजारों लोग हैं, किसी से भी गाइडेंस ले सकता है, सेम ही गाइडेंस तो मिलेगा, नहीं तुम मेरे से गाइडेंस नहीं लिया, तुम मेरा फैसिलिटी नहीं बना, तुमको हम बहिष्कार करवा देंगे वॉइस, समझ रहे हैं। मान लो कोई फोर्थ ईयर उसका फैसिलिटी है, कोई थर्ड, तुम मेरे को फैसिलिटी फैसिलिटी चूज नहीं किया, ठीक है अब तुमको हमारा डिपार्टमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं मिले, समझ रहे। तो ये सब क्या है, अहंकार के कारण आदमी ऐसा हो जाता है प्रैक्टिकल, समझ रहे। जैसे अभी कल एक बार का दीक्षा होने वाला, मतलब हम लोग थोड़ी दीक्षा लेना चाहे थे, तो वो लोग पहले कहीं पर जाते थे प्रोग्राम में, तो वो बोला कि आप लोग धोखा दे रहे हैं, आप हम लोग से, हम लोग के पास आते थे, अब उधर से आप दीक्षा कैसे ले सकते। अरे महाराज से सेम क्वेश्चन पूछा गया था रथ यात्रा में, कि मैं पहले नामहट से कनेक्टेड था, फिर मैं कलकड़ा मंदिर में आ गया, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या। अरे कहीं पर एक ही बात है, कलकड़ा मंदिर में रहो, कहीं पर सेवा करना पड़ा। तो कभी कभी लोग, मतलब भगवान के पास जाना कोई अब पढ़ाई करना, इस कॉलेज से पढ़ो उस कॉलेज से पढ़ो, ठीक है आपके चॉइस है, लेकिन ये थोड़ी ना कि उस कॉलेज से पढ़ेगा अगर तो खराब है। हाँ अगर कॉलेज पढ़ाता नहीं तो अलग बात है, अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ो एक ही बात। तो इस प्रकार से हमारे इंद्र को क्या आ गया, अहंकार आ गया कि नहीं मेरा पूजा नहीं किया तो बेकार है, उसको मैं छोड़ेंगे नहीं। और कृष्ण को गाली देने लगा कि वृंदावन वासियों की दृष्टा को देखो, वे जंगल के रहने वाले हैं किंतु अपने कृष्ण मित्र, अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है। कृष्ण को क्या बोल रहा है, देवताओं की अलहना करने का दुसाहस कर रहे बेटा, कृष्ण का सपोर्ट लेके हम लोग अब डिसरिस्पेक्ट करा है। ऐसे पौंड्रक नाम का एक पागल था, समझ रहे, वो सोचने लगा हम भी बेटा बहुत होशियार है, वो अपना बोलने लगा कि ये जो द्वारका में कृष्ण ओरिजिनल कृष्ण नहीं, हम ओरिजिनल कृष्ण क्या बोलने लगा, द्वारका में नकली कृष्ण हम ओरिजिनल है। और वो क्या करने लगा, दू तो हाथ उसका ओरिजिनल था, दू तो एक्स्ट्रा लगा के रखता था, समझ, कैसा पागल पागल लोग दो तो एक्स्ट्रा हाथ लगा कर रखता था कि हम ओरिजिनल वसुदेव चतुर्भुज है, वो द्वारका वाला का दो हाथ है, हमारे देखो चार हाथ, समझ रहे। और भगवान को लेटर लिखा, मतलब इतना दुसाहस बढ़ गया उसका, लेटर लिखा कि तुम अपना जो सुदर्शन चक्र है सब तुम धारण कर रखा छोड़ दो, ये सब तुम नाटक कर रहा है, हम ओरिजिनल कृष्ण है।
तो भगवान के पास लेटर गया तो सब लोग हंसने लगा, जितना भी भगवान जब सभा में पढ़े बोले बारे पागल कैसा पागल है रे, खूब हंसे भगवान। उसके बाद फाइनली भगवान को बोला कि तुम्हें चक्र धारण करने का कोई अधिकार नहीं, चक्र छोड़ दो। ऐसा भगवान बोले ठीक है छोड़ देते। भगवान ने छोड़ दिया चक्र, उसका गला कट गया जाके, समझ बोले छोड़ देते छोड़ दिए। तो ऐसे ऐसे पागल लोग होता है। तो इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे, देवताओं की बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा वृंदावन के ग्वालों ने इस पाचाल कृष्ण, कौन है कृष्ण, बहुत छोटा बचवा बहुत बोलता है, इस वाचाल कृष्ण के बहकावे में आकर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो नीरा बालक है किंतु इस बालक पर विश्वास करके उन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने संवर्त को आदेश दिया जाओ संवर्त और वृंदावन को तहस नहस कर दो। ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने का अत्यंत गर्वित हो गए। कैसा दुनिया है, आपका अनर्थ आप ही को रिफ्लेक्ट होता, समझ रहे, वो गर्वित है तो उसको वृंदावन वासी लोग क्या लग रहे हैं, गर्वित लग रहे, समझ रहे। बोलता है तुम लोग वृंदावन में वह केवल वाचाल शूद्र और सांसारिक परिस्थिति से अनजान है किंतु अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा बताता है। चूंकि वे कृष्ण को मानते आते उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गऊं समस्त नष्ट कर देना चाहिए, सो जो गो हत्या करेगा ही नाला है। इस प्रकार इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित। तो आप अगर कृष्ण भक्ति करेंगे माला करेंगे तो कभी कभी क्या होगा, समस्या भी आएगा। तो जैसे वो लोग भगवान का आदेश पालन किए, गोवर्धन पूजा किए तो क्या मिला, इंद्र क्या किया, बारिश चालू करवा, ऐसा बारिश बूंद नहीं था, समझ रहे हैं, एक एक हाथी जितना बड़ा बड़ा बूंद गिर रहा था। अगर एक तो गिरेगा तो बूम हम लोग का टेम्पल हल गया, पूरा वृंदावन पहले आंधी तूफान कर दिया, बारिश ऐसा बरसाया, मतलब अब गाय लोग पूरा परेशान हो गया, सब परेशान। तो वृंदावन में एक गुण है, क्या गुण है, जब कुछ प्रॉब्लम आता है सब क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब कृष्ण को पुकारते, ओ गोविंद हे मुकुंद हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार से पूरा हरि बोल कर दिया वो, तो फिर कृष्ण पूरा एकदम वृंदावासी बेचारे पूरा घबरा गए, समझ रहे समझ रहे, अभी क्या करें नहीं करें, समझ रहे। तो सब लोग भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण, उस समय समस्त वृंदावनवासी भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करने लगे, क्या प्रार्थना, हे कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं, कुपित इंद्र से हम सबको बहुत सता कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता से रखा है, अतः हमारी रक्षा। तो जीवन में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए, हे गोविंद हे मुकुंद हरे कृष्ण, माला पकड़ लीजिए, जप कीजिए, एक्स्ट्रा जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे गोविंद हे मुकुंद। तो आप कौन आ जाएंगे आपके जीवन में, कृष्ण आ जाए, तो वहीं पर कृष्ण आ गए, समझ रहे हैं। और कृष्ण ने बोला कि आप लोग कोई टेंशन मत लो, समझ रहे हैं, मैं आप लोग के साथ हूं, मैं आप लोग के साथ हूं। तो कृष्ण आए और सबको बोलने लगे कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर उस अपने कोप को प्रदर्शन, तो बोले अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस इंद्र ने अपने महान पराक्रम को दिखा रहा है, किंतु मैं अपने पद के अनुसार उसका उत्तर दूंगा, उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों का संचालन में वो स्वतंत्र, मैं सबका परमेश्वर हूं, अतः मैं उसकी झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे अपने उसने अपनी शक्ति के से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वह मेरी श्रेष्ठता को भी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्भ से फूल गया है और मदांध हो गया है, मैं इसके झूठे गर्भ को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण लूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर है और जिन्होंने मेरी शरण दे रखी, जिन्होंने मेरी शरण ले रखी, मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचा। तो जब आप कृष्ण का शरण लेंगे तो योग शक्ति से कृष्ण आपको क्या करेंगे, बचा लें। कृष्ण का अगर शरण लेंगे आप तो आप देखेंगे प्रकृति का नियम बदल जाएगा, प्रकृति का नियम, जैसे एक बार हम लोग का कुछ अनन्य कांड हो गया था, समझ रहे, तब हमारा लैपटॉप चुरा लेता था,
समझ रहे हैं, और फिर गाली भी दे रहा है, समझ रहे हैं। तो पुलिस में हम लोग एफआईआर किए, तो बोलता है एफआईआर करेगा, हम लोग चोर हैं क्या? मतलब अरे भाई, जब चोरी नहीं किया तुम ऐसा क्यों पूछ रहा है, समझ रहे हैं? जब चोरी किया ही नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हैं? बगल में एक आदमी था दुकान वाला, अरे भाई चोरी तो ऐसा पूछेगा ना, अगर आप चोरी नहीं किया तो एफआईआर होने दो ना, आपको पुलिस आएगा आपके पास, है तो आप क्यों घबरा रहे? बार बार बोल रहा है हम लोग चोर हैं क्या, ही है। और रात को हम 8:30 बजे सोने ही जा रहे थे, तब तक हमारे पास रोहित पुएक थे, सोनपोल बैच वाले आए, प्रभु जी वो लोग गाली दे रहा है, ये कर रहा है कि तुम मारेंगे, हम लोग मारेगा हम छोड़ देंगे का, समझ रहे? हम लोग भी फॉर्म में आके नीचे उतर गए, हम उतरे तो 50 लोग और नीचे उतर गया, समझ रहे? और फिर तो हम लोग तो बात से बात कर रहे थे, हमारे लोग तो समझ रहे हाथ थे पहले, मतलब वो लोग कोई तो एक दारू पी अकड़ा के कुछ पत्थर मार दिया, तो हमारा बचवा तो रेडी था ये। और फिर हरी बोल जो हुआ, समझ रहे? तो जो भी हुआ हम लोग का तो कोई गलती नहीं था, लेकिन अब वो लोग बचने के लिए रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कर लिए थे हम लोग, तो बचने के लिए क्या हुआ, वो माता जी लोग अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ लिया, मैं पता नहीं क्या हुआ हम लोग एग्जैक्टली, लेकिन वो लोग हम लोग पे ब्लेम मार दिया कि ये लोग रेप करने का प्रयास किया, समझ रहे? मतलब हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग तो अंदर बंद थे, समझ रहे? तो पत्थर उथर मारा, मतलब पूरा लोकल लोग 500-700 लोग एक साथ हो गया, तो जो भी है पूरा हरी बोल हो गया। हम लोग हरी कीर्तन कर रहे थे अंदर में, 2-4 लोग का माथा होता फट गया था, तो अंदर ट्रीटमेंट भी चलता, गोवर्धन पूजा की तरह जैसे अंदर में था ना गोवर्धन, हम लोग बाहर से पूरा बारिश हो रहा था ईटा पत्थर का, समझ? और इधर से हम लोग हरे एक जबरदस्त कर रहे थे, समझ रहे? तो फिर जो हुआ अंदर में, बाहर काका केस ठोका, हम लोग पता भी नहीं था। फिर तो जो आया पुलिस आया, बोला चलिए आप लोग पुलिस थाना चलिए, वहां आप लोग प्रोटेक्शन रहेगा, यहाँ प्रोटेक्शन। तो जो भी है तो आप सबको ऐसे नहीं कर, बोला थोड़ी देर में ले आएंगे आप टेंशन मत ली, अब बोला उधर जा ही नहीं सकते आप, समझ रहे? तो रात भर हम लोग पुलिस थाना में कीर्तन की और दिन फट उठ सर उठ पड़िया, तो हॉस्पिटल गए, उसको टाका वाका करवाई किए। और हम लोग खाने को भी कुछ नहीं, अब वहां जा भी नहीं सकते हैं, मतलब समझ रहे? पूरा हालत पंजर, का करे नहीं करे। तो भगवान की दया से एक सुबह पुलिस को ही तो जगा दिया, मिनिस्टर तक बात चला गया था, पता नहीं कौन का हो रहा था, हम लोग समझ नहीं चला, समझ रहे? तो जो हुआ फिर हम लोग सुबह कुछ तो जगा दिया, अब वो जगह में सही से कुछ था ये नहीं, एक तो बड़ा हॉल था कचड़ा, हम लोग फिर वहां नहीं आओ। और सबका नेक्स्ट दिन एग्जाम उग्जाम, समझ रहे? कोई अब पढ़े नहीं तो कहा, रात भर तो लीला चला तो कहा पढ़ेगा, समझ रहे? तो सब लोग एग्जाम उग्जाम दे रहा है, और अब खाने को भी सुबह से कुछ नहीं। तो एक वक्त को फोन किया, तो उनका फ्लैट एकाएक उनका बड़ा फ्लैट खाली था सुदीनपुर का, तो बेचारे पूरा अपना पूरा बिल्डिंग दे दिए, समझ रहे? 13 मोड़ में सब। तो हम लोग वहाँ पर कुछ दिन रहे, मतलब 40 लोग का एकाएक अकोमोडेशन मिल गया हम लोग को, और दोपहर का फिर प्रसाद अरेंज हो गया, मतलब फिर पूरा हम लोग कैसे क्या हुआ, पुलिस हम लोग का सामान ला के दिया सब, पूरा शिफ्ट करके ट्रांसफर करके, समझ रहे? तो जो हुआ, लेकिन देखिए भगवान उसी दिन तो हम लोग बाजार में खाते नहीं, लेकिन दोपहर तक प्रसाद हो गया, रहने का व्यवस्था हो गया। और अमेजिंगली बचवा लोग एग्जाम देने जा रहे, एडमिट कार्ड बहुत लोग के पास नहीं, बहुत लोग हाथ टूट गया, ई हो गया, वो हो गया, समझ रहे? और जितना लोग एग्जाम देने गया सबको मोस्टली 10 out of 10 आ गया, बहुत लोग ऐसे 5 आता 8 आता जो भी आता, बहुत लोग बोला उसको कुछ नहीं पता, फिर भी लोग को सोनपुर था उस समय, हाँ लैब कुछ पता ही नहीं है किसी को कुछ कहा हो रहा है, लेकिन बाद में मार्क्स बड़ा अच्छा आया, समझ रहे? तो उसी समय हम लोग को एक फ्लैट मिला था इधर, खोज रहे थे और बैन कर दिया हम लोग को म्यूनिसपैलिटी में, मीटिंग वीटिंग बनाया कि आप लोग सब ये है वो है, आप लोग क्या आतंकवादी लोग है सब है, वो बोले हम क्या आतंकवादी है, हम एक पियकड़ था, हम काली का चंदा मांगने गया था, हमको दिया नहीं, वहां पर कहा इसे उठाने लगा, हम तो चुपचाप सुनते रहे थे, समझ रहे? तो हम लोग बैन कर दिया कि आप लोग कहीं पर रहने नहीं मिलेगा, खुदीराम नगर में आप लोग नहीं रह। फिर अब हम लोग कहाँ रहे, समझ रहे? फिर 1 महीने बाद उनका भी फ्लैट, उनको लेडीज हॉस्टल था कुछ था, तो बोले पूजा आप लोग खाली कर दिया, ठीक है भाई 1-2 महीना तो आपने रहने दिया, बहुत अच्छी बात। फिर फ्लैट खोजा जा रहा था, इधर उधर खोजा गया, हमारे पंकज पूरा खोज रहे थे इधर उधर बहुत। तो जो भी है, फिर उसके बाद पॉइंट क्या बताना चाह रहे थे, हाँ तो हम लोग चूंकि भगवान का आश्रय ले रहे थे तो सब कुछ अपना व्यवस्थित हो जा रहा था, समझ रहे? और मिराकुलसली भगवान की योग शक्ति से अब एग्जाम में तो खराब मार्क्स आना है, समझ रहे? लेकिन सबका बड़ा अच्छा मार्क्स आने लगा।
तो कृष्ण बोले टेंशन मत लो, मैं अपनी योगिक शक्ति तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। तो वैसे जीवन में आप भक्ति करेंगे समस्या आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि कृष्ण आपके क्या है साथ है। आप बस कृष्ण को पुकारिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हो रे हरे, अरे राम रे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरी बोल राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओरे राम रे राम 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 हरे हरे, हरि राधे हरे राम हरे राम हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रे राम 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 हरे हरे, कृष्णा राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गौर हरि बोल राधे राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधे गौर प्रेमानंद राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल राम तो जीवन में दैव कुछ प्रॉब्लम है, किसको पुकारना चाहिए? और निश्चित भगवान भाव से भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो वृंदावन के सभी भक्तों ने क्या किया? कृष्ण को पुकारा, और किसी जैसे कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने ऐसा सोचते सोचते तुरंत ही
अपने हाथ से किसको उठा दिया? गोवर्धनधारी की। तो भगवान ने क्या उठा दिया? और बोला आ जाओ सब लोग, आ जाओ, देखो मैं क्या उठा दिया हूं, इसके नीचे कोई टेंशन, सब आ जाओ, सब आ जाओ। और सब लोग का हो गया, गोवर्धन के नीचे आ गए, समझ रहे? और इतना बड़ा पहाड़ भगवान ने कैसे उठा दिया? केवल बाएं हाथ की छोटी उंगली, समझ रहे? इसको बोलते भगवान की योग शक्ति। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी। और भगवान ने सब भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिताजी, हे वृंदावन वासियों, आप सब लोग मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश कीजिए, इस पर्वत से डरे नहीं। बोले उठा तो लिया, गिर जाएगा तो, समझे? मान लीजिए बिल्डिंग उठा ले, बारिश हो रही बने नीचे, अब बोले प्रभु जी उठा तो लिया, गिर गया तो हरी बोल हो जाएगा, समझ रहे? तो कोई सब डर तो भगवान, डरो मत, ये मत सोचिए कि मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मुसलधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का ये उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से, तो भगवान अपनी यौगिक शक्ति से भक्तों की क्या करते, रक्षा, समझ रहे हैं? और सब लोग देखने लगे, एक जाने लगा तो सब, फिर पूरा भीड़ हो गया, समझ, पूरा वृंदावन का एक एक व्यक्ति वहां पर, क्योंकि उन लोग की बड़ी इच्छा थी बहुत सालों से कि कृष्ण का, कृष्ण को देखते तो मन का साथ देखते ही रहे, लेकिन अब लोग जो सुबह कृष्ण को देखते थे, रात को तो अपने घर चलते नहीं देख पाते थे, समझ, घर वाले लोग जो थे वो सुबह देखते थे, रात को नहीं देख पाते, दिन रात को देखते सुबह नहीं देख पाते थे, समझ रहे? क्योंकि वो दिन में गुजारन के लिए चले थे। लेकिन आज भगवान बोले 24 आवर दर्शन देंगे, क्या 24 आवर दर्शन, 24x7, समझ रहे? एकदम 7 दिनों तक सब लोग को 24 आवर क्या मिलेगा, कोई कुकिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो कुकिंग निर्जल एकादशी चलेगा, समझ रहे? समझ, 7 दिन तक ना किसी को घर वाला भी कुछ बोल नहीं सकता है, काम क्यों नहीं कर रही है, क्या काम है, अभी तो कोई काम नहीं, बाहर तो क्या है, जा ही नहीं सकते, बाहर क्या है, हाथी कोई घोड़ा बरस रहा है, समझ रहे? तो इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सब बोलेगा, कोई काम धाम नहीं है, बट प्रेम से भगवान को निहारिए। तो बड़ा फेस्टिवल बन गया, भगवान अंदर ही आंखों से बहुत थोड़ा इशारा करे थे, कभी कभी तो भगवान क्या करते, गोवर्धन हिला देते थे, समझ रहे? तो लोग सब घबराया था, फिर बैलेंस कर रहे थे, समझ रहे? तो बचवा लोग सोचा पता नहीं उठा नहीं पाएगा, तो बहुत लोग अपना छड़ी उड़ी उड़ रख दिया, हम लोग भी भगवान बोले अच्छा थोड़ा सा निकाल, और ये सब टूट गया, सब समझ गया भाई यही उठा सकता है। तो भगवान बहुत अपना आंखों से सबके साथ गजब गजब लीला, बहुत डायनेमिक था, स्टैटिक मत समझेगा। कुछ लोग सोचते स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे भाई कृष्ण और हम क्या करेंगे, अरे भाई अरे बहुत मजा है, समझ रहे? समझ रहे? बहुत क्या है, अलग अलग एक्स्टेटिक रसा है, समझ रहे? भगवान आपके साथ क्या करेंगे, अलग अलग बहुत दिव्य दिव्य रसा रहता है। कभी कभी राधा रानी को भगवान बोलते, राधा रानी मेरे को फल जो फूल चाहिए, तो बोले ठीक है वो तोड़ो मैं उठा लो, हाइट ज़्यादा है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं उठा देते, वो पकड़ देती ऐसे तोड़ने लगते, भगवान छोड़ देते, समझ वो लटक जाती, क्या करे ही, समझ रहे? तो इस प्रकार से फिर रोने लगते भगवान, फिर पढ़ते, इस प्रकार से क्या बोलते भगवान के गोलोक धाम में क्या चल रही, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन रम स्थान दिव्य चिंतामणि नाम रतन मंदिर मनोहारा। हे वृंदावन रम स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार।
तो वृंदावन बड़ा रम्य स्थान है, वहां पर राधा कृष्ण सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं वो कनक कमल के ऊपर, सोने के कमल के ऊपर लोग बैठ के एकदम लीला कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण राधा कृष्ण सुंदर सुंदर लीला कर, इतने सुंदर हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते ओ लोप लावण्य राशि आमिया फोड़ी चे खांसी हास्य फोड़ी हास हे नरोत्तम दास को नित्य लीला सुख मोर सदाय सुरूप मोर सदाय गुरु का मोर माना। तो भगवान के वृंदावन धाम में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं, जो प्रेम है राधा रानी का कृष्ण के साथ, इतना शुद्ध विशुद्ध प्रेम है, इतना शुद्ध है, इतनी सुंदर सुंदर वो लीलाएं कर रहे हैं कि इसको सुन के वो बोले मेरा मन पूरा आकर्षित हो जा रहा है। यही वास्तविकता में क्या है, आत्मा का सुख। लेकिन जब तक हम भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त है तो हमें सब चीज का अनुभूति नहीं होंगी। तो देखिए वृंदावन में गोवर्धन के नीचे भगवान इतने सालों से ब्रजवासियों की जो आशा थी आज पूरी कर रहे हैं। 24 घंटा वो लोग भगवान का दर्शन ले रहे हैं और भगवान आंखों से इशारा करें। यशोदा को लगता है कि भैया मेरा बेटा 3 दिन हो गया उठा के रखा है, कहीं इसको मतलब कोई भी चीज बहुत देर से उठा के रखोगे तो मालूम का होता है ना भाई, दर्द हो रहा होगा, समझ रहे हैं। तो क्या करती है वो लेके आती है, वो क्या बोलते हैं बाम लगा देते हैं, समझ वो भूल गई कि दिव्य आदमी है क्या ये, उसको लगा मेरा बचवा है बेचारा, उंगली दर्द हो गया लाल हो गया होगा था क्या लगा देते। भगवान अद्भुत अद्भुत तरीके से भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं। और अभी क्या है, क्या चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, तूफान अम्फान आ रखा है, और इधर क्या चल रहा है, नयनों के लिए फीस चल रहा है, समझ रहे, मन के लिए फीस, कृष्ण आदान प्रदान। तो इसलिए जीवन में अगर आप कृष्ण को जोड़ लेंगे तो बाहर से जो भी चले अंदर से आप आनंद में रहेंगे, समझ रहे हैं। बाहर का लोग समझ नहीं पाए, बोला रेलवे पर सही से खाना भी नहीं है बेटा, ये लोग बिना चप्पले घूमते रहता है, कुर्ता ही फटल रहता है, लेकिन तुमको पता नहीं हम लोग पूरा एसी भक्ति विधान स्वामी इसलिए प्रभुपाद के लोग, इसलिए कुर्ता फटल मतलब एसी है वो क्या है। तो इसीलिए हम लोग एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद की कृपा से क्या एकदम एसी में रहते, समझ रहे। तो भगवान के पास सब वृंदावन वासी, और भगवान को देखने से उनकी भूख प्यास भी खत्म हो गई। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना एक सप्ते तक वहां, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी के पर्वत को धारण किए हुए, कृष्ण की असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मानो वज्रपात। 7 दिन तक नौटंकी किया बेटे, लेकिन भगवान भी इससे अद्भुत है, इतना इतना बड़ा बड़ा फेंका लेकिन एक घास को भी हिला नहीं पाया, समझ रहे। तो इंद्र का पूरा ईगो जो था ना चूर चूर हो गया, बोले घास को भी नहीं, और ब्रज के ऊपर कुछ जो जानवर थे ऊपर थे गोवर्धन के ऊपर, और वो लोग बेटा समझ हिरण ऐसे देख रहा है का है रे तू, समझ रहे, इसका ऐसा इंसल्ट करे कि बेटा तुम ही बस, तुम्हारा कुछ हो रहा है, हम लोग नीचे रहेंगे ऊपर रहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे, जरूरत नहीं कृष्ण के साथ नीचे रहना पड़ेगा, ऊपर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको देख कर ऐसे करो हरी बोल होगा बेटा, एक तो खास को भी लेना पर, समझ रहे, बिना उनका कुतवा भी हम पे भोग रहा, समझ रहे। तो ऐसा मेरा बुरा हालत, फिर वो हम्बल हो गया, समझ गया अपराध बहुत गहरा हो गया है, अब क्या करे, मारेगा बेटा ही तो, हम इसका घास हिला नहीं पाए, मतलब ये अगर मेरे को सामने देखेगा तो खूब मारेगा। तो ब्रह्मा जी के पास गया अपना सुप्रीम इंचार्ज के पास कि ब्रह्मा जी गलती हो गया, गलत आदमी से पंगा ले, मतलब हम इतना देर से, हम थोड़ा देर पहले गलती करके आए थे,
तो मैं न्यूज पे नहीं मिला, व्हाट्सएप में नहीं मैसेज पढ़ा था, मैं डाला था, मैं प्रेयर किया था इतना सारा, तुम लोग अपडेटेड नहीं रहता है। हम खुद अभी थोड़ा सा पागल हो गए थे, हम कितना प्रार्थना कि तुम नहीं पढ़ा, बोले गलती हो गया, अब क्या करें, अगले बार क्लास रोज सुनना चाहिए, समझ रहे, क्या करें, हम बंक मार दिए, अगले बार से मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ दें, समझ, बोला हाँ गलती हो गया, समझ रहे, बोले ठीक है भाई, इसलिए रेगुलर क्लास सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन कुछ ही दिन पहले दिया, समझ रहे, एक आध साल पहले दिया था, लेकिन वो अपडेटेड नहीं था, समझ रहे। तो इसीलिए भाई ऑलरेडी बहुत लोग लड़की के पीछे फंस के रोया है, लेकिन फिर भी नहीं सुनेगा, फिर दूसरों को देख लेगा, अरे प्रभु जी उसको देखे हो रहा है, अरे इतना अपडेट किया था, इतना लोग फैक्ट रियलाइजेशन के साथ, समझ, इतना फिर भी तुम अपडेटेड नहीं रहता, हम कहा करें। तो ब्रह्मा जी समझा कहा करे, तो रोने लगा, तो बोले ठीक है, देखो एक सोल्यूशन बता रहे, गलती तो हो गया, लेकिन कृष्ण जो है भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो तुमसे गलती हो गया, तुम सुरभि गाय को ले जाओ, वो सामने रहेगी तो भगवान माँ, बोले ये तो बहुत अच्छा एडवाइस दिया, तो सुरभि गाय को पटाया, माँ माँ गलती हो गया, अब माँ बेचारी कोमल हृदय के, बोले ठीक है चलो, सुरभि गाय आगे गई, इंद्र को पीछे, इंद्र खड़ो ले पीछे आगे, मतलब समझ रहे। इसलिए जीवन में भक्तों से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, कोई गलती हो भी गया तो भाषा हमको बाद में, तो सुरभि रिक्वेस्ट की भगवान माफ कर दी, तो तुम गुस्सा थे मार देंगे सो बेटा छोड़ेंगे, लेकिन फिर सुरभि गान छोड़ दी, समझ रहे। तो फिर इन्हें खूब प्रार्थना उतना किया, अभिषेक किया, फिर इस प्रकार से फिर भगवान को मुकुट पहनाया गोविंद कुंड पे, सुरभि कुंड गोविंद कुंड, इस प्रकार से यह सुंदर गोवर्धन लीला संपन्न होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो जो ये गोवर्धन लीला सुनेगा उस सांप का, उसको सांप भौतिक दुनिया का जो सांप है कभी काटेगा नहीं, काल सर्प से बचेगा और भगवत धाम जरूर जाएगा। हरि वो हरे कृष्णा। हाँ अब सागरपुर का बर्थडे के लिए हम लोग ने आज फर्स्ट टाइम सुना दिया, आपका बर्थडे को ऑफरिंग कर रहे हम लोग, ये फर्स्ट टाइम इसका पुण्य सागरपुर को मिलेगा। हरि वो क्या क्वेश्चन था सागर तुम्हारा? अभी कोई बात नहीं, हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे उनका, याद आ गया, बहुत अच्छे। हाँ हाँ बात क्यों प्रेम करते थे ना, भगवान नहीं समझते लेकिन प्रेम बहुत कर रहे। अरे घर में बच्चा होता है ना कि पापा हमको एक गाड़ी चाहिए, तब क्या करे करना, अरे तुम वो कृष्णा छोटा बच्चा था लेकिन उसके बहुत सारे लीला किया था ना, समझ रहे, बहुत बार जंगल का आग पी लिया था, समझ रहे। हाँ तो सब अपने आंख से देखे थे। और दूसरा है कृष्ण इतने स्वीट थे ना, तो वो लोग भगवान का मतलब ब्रज में सब लोग कृष्ण को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम करते, समझ रहे हैं, तो वो लोग मतलब कृष्ण को मुग्ध हो जाते थे देख के, तो वो लोग कृष्ण को नान बोलना बड़ा मुश्किल था उनके, समझ रहे। हरे कृष्णा। कुछ चार तरह के डाउट होते हैं, एक सुन के समझ में आ जाते हैं तुरंत, दूसरा है वो थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तीसरा है वो दो चार दस साल भजन करने के बाद समझ में आता, और चौथा है भगवत धाम जाके समझ में आएगा, समझ रहे। तो अभी आप आपके लिए कुछ डाउट्स, थोड़ा सा भक्ति कीजिए तो समझ में आएगा हर एक। हाँ क्योंकि कुत्ता जो है समाज में आपको कौन सा जानवर दिखता है सबसे ज्यादा? आती रोज दिखता है क्या, समझ रहे हैं, सब जगह कुत्ता अवेलेबल, समझ रहे हैं, सबसे घूमते हुए दिखेगा कौन सा जानवर, समझ रहे हैं, आप मोस्टली देखो सब जगह सबसे ज्यादा पब्लिक में मतलब आदमी छोड़ के कुत्ता ही दिखता है, आप रोड पे देखोगे पब्लिक छोड़ के मतलब, और बाकी जानवर छुपता है डरता है बहुत,
इनको तो बेटा पहीं पर सुतल मिलेगा, समझ रहे। बिल्ली भी थोड़ा सा दूर मतलब थोड़ा दिखेगा, नहीं हर समय नहीं दिखेगा उसको। इनको तो रोडे पे सोता है, तो इसलिए कुत्ता इज लाइक मोस्ट, मेरा स्पेकुलेशन है। ये भी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, समझ रहे। तो नए कमेंट्रीज आ रहे, ऐसे ही ब्रज में होता था, कुछ भी बात होता था सब लोग अपना अपना कमेंट्री। कृष्ण आंख क्यों बंद किया पुत्ता को मारते समय, तो 50 लोग 50 बात बोले, समझ रहे। तो ऐसे ब्रज में ऐसे चर्चा चलता था, समझ रहे। जैसे तो इसी प्रकार से नए नए कमेंट्रीज, अभी प्रसाद लेते हैं और भी प्रसाद लेते हैं और भी डाइजेशन जब होता तो बहुत सारे नए नए विचार आते, समझ रहे। हरे कृष्ण, अभी हमको भूख लगा प्रसाद खाएंगे, समझ रहे।